दोस्तों, दुनिया में करोड़ों प्रजातियां मौजूद हैं, जिसमें से इंसान सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। इंसानों ने दुनिया को पूरी तरह से बदल दिया। आज हम जिधर भी देखते हैं, हर तरफ ऊंची ऊंची इमारतें देखने को मिलती हैं। आज के समय में हमने इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है, जिसके बाद कोई भी चीज असंभव नहीं लगती। लेकिन जहां ये टेक्नोलॉजी हमें तेजी से आगे लेकर जा रही है, वहीं हम दूसरी तरफ अपने विकास के लिए पृथ्वी और अपने नेचर को बर्बाद कर रहे हैं। जंगल को काटना, पोल्यूशन फैलाना, बेवजह पानी वेस्ट करना और अनेकों प्रजातियों की विलुप्ति, इस सब को देखकर ऐसा लगता है कि हम इंसान ही इंसानों के विनाश का कारण बनेंगे। पर क्या कभी आपके दिमाग में ये आया है कि अगर पूरी दुनिया गायब हो जाए और आप इस दुनिया में अकेले जिंदा बच जाएं तो क्या होगा? अगर किसी भी तरह से पूरी दुनिया के इंसान गायब हो जाएं और आप अकेले बच जाते हैं तो क्या होगा? जैसे ही दुनिया से सारी आबादी एक साथ गायब हो जाती है और आप अकेले जिंदा बच जाते हैं तो सबसे पहले तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा कि करना क्या है। फिर जब आपका दिमाग थोड़ा सा शांत होगा तब आप सबसे पहले तो ये देखेंगे कि आपके साथ कौन कौन जिंदा बचा है। इसके लिए आप अपने मोबाइल से अपने जानने वालों को, अपने यार दोस्तों को फोन करेंगे, पर कोई भी आपका फोन नहीं उठाएगा। और फिर आप बाहर निकलकर अपनी गाड़ी उठाकर सभी को ढूंढने लगेंगे, लेकिन आपको कोई भी नहीं मिलेगा। केवल सड़कों पर खड़ी लावारिस गाड़ियां दिखाई देगी, जिन्हें आप अपने लिए इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आपको ना तो किसी सिग्नल का डर होगा और ना ही किसी पुलिस वाले का। ऐसे में आप सबसे पहले किसी लग्जरी गाड़ी के शोरूम में जाएंगे और वहां से सबसे महंगी गाड़ी उठाएंगे और एक जगह से दूसरी जगह घूमते फिरेंगे। लेकिन आपको पूरी दुनिया में कोई भी इंसान नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसे में अगर आपको गाड़ी चलानी नहीं आती होगी तो आपका बुरा हाल हो सकता है, क्योंकि आपको कई मील पैदल ही चलना पड़ सकता है। अब जब आप कुछ दिन अकेले मौज मस्ती कर लेंगे तो ये अकेलापन ही आपको कुछ दिन बाद सताने लगेगा। केवल यही नहीं, बल्कि जब आप दुनिया में अकेले होंगे तो जंगली जानवर भी अब शहरों की तरफ आने लगेंगे। इन जानवरों से बचने के लिए आपको हथियार की जरूरत पड़ेगी। जब आप दुनिया में अकेले बचेंगे तो आपको बहुत ही संभल कर रहना पड़ेगा, क्योंकि उस समय कोई भी डॉक्टर नहीं होगा। और अगर आप घायल हो जाते हैं या फिर आपको कोई जहरीला कीड़ा काट लेता है तो आपको बचाने वाला कोई भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप एक डॉक्टर हैं तो आपको काफी हेल्प मिल सकती है और आप अपना इलाज कर सकते हैं। अब कुछ दिन बाद नदियों पर बने बांध पानी के कारण ओवर हो जाएंगे और टूटने लगेंगे, लेकिन वहां पर उन्हें कंट्रोल करने वाला कोई भी नहीं होगा। जब बांध टूट जाएंगे तो शहरों की हालत बदलने लगेगी। ऐसे में शहरों में भी पानी ही पानी होगा। इस समय पर पावर प्लांट को देखने वाला कोई इंसान मौजूद नहीं होगा, इसलिए जो शहर बिजली से जगमगा रहे थे वहाँ पर बिजली चली जाएगी और रात में घना अंधेरा छा जाएगा। इस कारण अब आपको अंधेरे में ही रहने की आदत डालनी होगी। इसके बाद हमारी पृथ्वी से ऊपर स्पेस में जो सैटेलाइट मौजूद है वो भी एक दूसरे से टकराकर खत्म हो जाएंगी। इस वक्त तक जो आप इंटरनेट के मजे ले रहे होंगे वो मजे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि सैटेलाइट के टूटते ही आपका इंटरनेट बंद हो जाएगा और आपके पास एंटरटेनमेंट करने का कोई भी साधन नहीं बचेगा। इसके साथ ही आपके पास जो भी डिजिटल चीज होगी वो भी किसी काम की नहीं रहेंगी। ऐसे में आपको खुद ही अपने लिए बिजली का इंतजाम करना होगा। इसके बाद एक सबसे बड़ी समस्या आपके सामने आने वाली है, वो है खाने की समस्या। शुरू में तो आपके पास खाने का पूरा भंडार मौजूद होगा। आप जिस भी बड़े से बड़े रेस्टोरेंट में चाहे उसमें फ्री में कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन खाने का ये भंडार कुछ ही समय में खराब हो जाएगा। लेकिन इसके बाद जो भी पैक्ड फूड होगा उसे कुछ साल तक आप खा सकते हैं, लेकिन वो भी कुछ साल बाद खराब हो जाएगा और उसके बाद आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। ऐसे में आपको खेती करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि यही एक ऐसा जरिया है जिसके सहारे आप जिंदा रह सकते हैं। और अगर आप शुद्ध शाकाहारी नहीं है तो आपको शिकार करना भी सीखना पड़ेगा, जिससे कि उन्हें मारकर खा सकें। खाने के साथ साथ आपको पीने की व्यवस्था भी करनी होगी। कुछ सालों तक तो आपको इसका भी अच्छा खासा भंडार मिल जाएगा, लेकिन दूध और उससे बने प्रोडक्ट बहुत ही जल्दी खराब होने लगेंगे, जिससे अगर आप चाय के शौकीन हैं तो उससे आपको वंचित रहना पड़ेगा। लेकिन ऐसे में आप गाय को पालकर उससे दूध की पूर्ति कर सकते हैं। अगर आप खेती करना और शिकार करना सीख गए तभी आप जिंदा बच पाएंगे। शिकार करने के साथ साथ आपको शिकारी जानवरों से बचकर भी रहना होगा, क्योंकि इतने समय में शिकारी जानवर भी शहरों में आने लगेंगे और वो आपको कभी भी चोट पहुंचा सकते हैं। जहां जानवरों की संख्या बढ़ रही होगी वहीं पर पर्यावरण भी अपना पुराना रूप ले रहा होगा, क्योंकि आपके सिवा अब कोई भी धरती पर मौजूद नहीं होगा। इसलिए इंसानों द्वारा किया गया पोल्यूशन भी खत्म हो जाएगा और मौसम बिल्कुल साफ हो जाएगा। हर तरफ हरियाली छा जाएगी और घरों के अंदर भी पेड़ उगने लगेंगे। जब मौसम इतना साफ होगा तो बारिश भी ज्यादा होने लगेगी, जिसके कारण समुद्र नदियों का वाटर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। यहाँ तक कि समुद्र किनारे बसे शहर डूब जाएंगे। कुछ सालों में ही ग्लोबल वार्मिंग भी कम हो जाएगी, जिससे सभी ग्लेशियर दोबारा से जमने शुरू हो जाएंगे और मौसम में बदलाव होने की वजह से तापमान गिरने लगेगा। ठंड ज्यादा बढ़ने की वजह से आपको जीवन यापन करने में काफी परेशानियां आएंगी और आपका घर से बाहर निकलना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। वहीं पर गर्मी में रहने वाले जीव जंतु ठंड के कारण मरने लगेंगे। धरती अब अपने पुराने रूप में जाना शुरू कर देगी। इतना सब कुछ होने के बाद गांव और शहरों में कोई फर्क नहीं बचेगा, क्योंकि
हर तरफ सिर्फ जंगल और पेड़ पौधे ही होंगे और जानवर भी अब इंसानों द्वारा बनाए गए घरों में ही अपना डेरा डाल लेंगे और उनमें ही रहना शुरू कर देंगे। इसके कारण आपके आसपास हर समय खतरा बना रहेगा। ज्यादा हरियाली होने की वजह से गांव से लेकर शहरों में जानवरों की संख्या बहुत ही ज्यादा हो जाएगी और मानव के द्वारा बनाई गई ज्यादातर चीज अब इस्तेमाल करने लायक नहीं रहेंगी। लंबे समय के बाद गाड़ियों के इंजन भी खराब हो जाएंगे, इसलिए अब आपको बहुत ही ज्यादा सतर्क होना पड़ेगा। इंसानों के ना होने की वजह से अब हर जगह जानवरों का ही राज होगा और शहरों में भी जानवरों का ही आतंक छाया रहेगा। इंसानों के ना होने से समुद्र में कचरा भी नहीं रहेगा और ना ही मछलियों को मारने वाला कोई इंसान होगा, तो समुद्र में मछलियों की संख्या काफी तेजी से बढ़ जाएगी। ऐसे में आप चाहे तो मछली का शिकार करके भी अपना पेट भर सकते हैं। अभी शहर में जहां इतना पोल्यूशन है और सांस लेने में भी परेशानी होती है और इस पोल्यूशन की वजह से ना जाने कितने लोग और पक्षी अपनी जान गंवा देते हैं, वहीं पर उस वक्त हवा बहुत ही साफ होगी और सभी पक्षी और जानवर चैन की सांस ले सकेंगे। जैसे जैसे जंगल बढ़ेगा वैसे वैसे कीड़े और मकोड़ों की संख्या काफी ज्यादा हो जाएगी। उनमें से कुछ कीड़े इतने जहरीले भी हो सकते हैं जो कि आपकी जान ले सकते हैं। ऐसे में आपको उनसे बचने का इंतजाम खुद ही करना पड़ेगा। ऐसे में आपकी परेशानियां और ज्यादा बढ़ जाएंगी क्योंकि इतनी परेशानियों के साथ आपको भोजन जुटाने में और ज्यादा परेशानी आने लगेगी। नेचर तो बिल्कुल साफ होगा लेकिन इस साफ नेचर में भी आपका अकेलेपन से दम घुट रहा होगा क्योंकि इतने वक्त से आप धरती पर अकेले रह रहे होंगे, इसीलिए आपका हर दिन बोरिंग हो जाएगा। आपके पास मनोरंजन के लिए कोई भी साधन नहीं होगा और ना ही बातचीत करने के लिए कोई दूसरा व्यक्ति। इस कारण आप बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाएंगे। इंसान की एक फितरत होती है, उसे जीने के लिए एक साथी की जरूरत जरूर होती है। इस अकेलेपन की वजह से आपके दिमाग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और आप डिप्रेशन का शिकार भी हो सकते हैं। यही डिप्रेशन आपको पागल भी कर सकता है। ऐसे में आप आत्महत्या करने की भी सोच सकते हैं। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति अकेला रहकर जीवन नहीं गुजार सकता, तब तो बिल्कुल भी नहीं। अगर आपके पास एंटरटेनमेंट करने के लिए कोई साधन ना हो, अकेलेपन की वजह से दिल और दिमाग पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अकेलापन एक ऐसी समस्या होती है जिससे इंसान दिमागी तौर पर बीमार हो जाता है और वो अपने आप को ही खत्म कर लेता है। ऐसे में हो सकता है कि पृथ्वी का अकेला इंसान अपने जीने की इच्छा को छोड़ दे और खुद को खत्म कर ले। लेकिन अगर आप एक साहसी व्यक्ति हैं और अगर आप इन सभी चीजों से लड़कर जिंदा रह भी लेंगे तो भी आप एक आदिमानव बनकर जिंदा रहेंगे और कुछ वक्त बाद बूढ़े होकर मर जाएंगे और इस तरह से आपके साथ ही पृथ्वी से आखिरी व्यक्ति भी खत्म हो जाएगा और आपके साथ ही इंसानियत खत्म हो जाएगी। इसके बाद पूरी धरती पर जानवरों का ही राज होगा, वो जैसे चाहे वैसे रह सकते हैं। अब धरती पर एक भी इंसान उन्हें मारने वाला नहीं होगा। इंसानों के ना होने से पक्षियों की जिंदगी भी आजाद हो जाएगी, उन्हें भी पिंजरे में रहकर अपनी जिंदगी गुजारनी नहीं पड़ेगी और सभी अपनी मनमर्जी से जी सकेंगे। तो दोस्तों, अगर ऐसा हुआ कि आप दुनिया में अकेले बचते हैं तो आप कैसे जिंदा रहेंगे और आप क्या क्या करेंगे, हमें कमेंट में बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।